गाइस कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका इलेक्ट्रिक शॉप के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गैस ट्रांसफार्मर के बारे में। बेसिकली आपने जो ट्रांसफार्मर देखा होगा जगह पे पावर स्टेशन में, रोड पे या फिर कहाँ कहीं भी सप्लाई के लिए जो यूज़ होता है वो बेसिकली हमारा ऑयल ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑयल और रेडिएटर की हेल्प से उसकी जो कूलिंग होती है उसको की जाती है ईजिली। बट यहाँ पर जो कूलिंग पर्पज़ होता है वो गैस। तो वीडियो में आगे बढ़ते तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले चाइना में 2014 में डिजाइन किया गया था, वो भी तोशिबा नाम की कंपनी। तोशिबा नाम की कंपनी अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, तोशिबा नाम की कंपनी के टीवी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, तो उस कंपनी ने इसको फ्रेम किया था। इसका डिज़ाइन इसलिए किया गया था क्योंकि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। ये 1/10 का कवर करता है एरिया, बहुत कम से कम एरिया कवर करता है और आसानी से फिट हो जाता है। तो इसमें जो गैस का यूज़ होता है वो SF6 गैस होती है। अब इस गैस की खासियत ये होती है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर किसी भी मेटल पर इस गैस को प्रेशराइज किया जाता है तो उस मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट ये रुक देती है। सो इस तरह से प्योर इंसुलेटर का काम करती है। आप देख सकते हैं इसमें इस साइज को जो है काफ़ी इसका छोटा है, और आप देख सकते हैं ये पूरा इसका सेटअप यहाँ पे डिज़ाइन है। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, देख सकते हैं आप। ये छोटा सा जो रेड कलर का है यही हमारा ट्रांसफार्मर मेन पर्पज ट्रांसफार्मर है। सो बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान की। तो पहला फ़ायदा ये है कि साइज़ में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इसको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, कहीं भी रखा जा सकता है। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 400 केवी से लेकर के 500 एमवीए तक होती है, आप समझ सकते हैं ये। सो ये ऑयल ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम एफिशिएंसी होती है, बट ऑलमोस्ट उसके सिमिलर होती है। तो इसका तीसरा फ़ायदा होता है कि इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, और जैसे कि जहाँ पर पहाड़ियाँ होती है, जहाँ पर आने जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती हैं, गाड़ी ले जाने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ वहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को आसानी से ले जा सकता है। तो SF6 एक प्योर इंसुलेटर गैस होती है, सो इसमें कभी आग लगने के चांसेस नहीं होते हैं। सो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका। तो बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, यानी कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। नुकसान ये होता है इससे, इसका हम यूज़ ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में नहीं कर सकते, जैसे कि दिल्ली वगैरह, तो यहाँ पर इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो फिल्टर होता है वो एयर में से प्योर एयर को अपनी तरफ ही लेता है, ताकि इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो एक सर्कुलेट में काम कर सके। लेकिन क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो इसका जो फिल्टर होता है वो पूरी तरह से एयर को प्योरीफाई नहीं कर पाएगा, और इसमें फॉल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह फिर चार्ज वगैरह कंडक्ट होगा और फायर लग सकती है, सो काफ़ी नुकसान हो सकता है, गैस का प्रेशर बढ़ सकता है, ये सब चीज़ें हैं। इस वजह से इसका यूज़ कम किया जाता है, बट कहीं कहीं पर अभी भी इसका यूज़ होता है, फैक्ट्रीज वगैरह में तो होता ही है। बेसिकली वहाँ पे साइज़ की ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए वहाँ पे यूज़ करते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही था, वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम एक प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के 500 से ज़्यादा वीडियोज़ डालने वाले हैं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।